था जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता रहा है। हम भाषा, पंथ और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। हजारों वर्षों के इतिहास में भारतीय समाज ने शायद ही कभी दुर्भावना या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर काम किया हो। मेलजोल के साथ रहना, भाईचारा निभाना, निरंतर सुधार करते रहना और समन्वय पर जोर देना हमारे इतिहास और विरासत का बुनियादी हिस्सा रहा है। हमारी नियति तथा भविष्य को संवारने में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। हमने दूसरों के अच्छे विचारों को खुशी खुशी अपनाया है और सदैव उदारता का परिचय दिया है। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों में भी हम सहयोग की इसी भावना का परिचय देते हैं। हमारे पास जो भी विशेष अनुभव और योग्यताएं हैं, उन्हें सहयोगी देशों के साथ साझा करने में हमें खुशी होती है। हम चाहे देश में हों या विदेश में, भारत के इन सांस्कृतिक मूल्यों को हमें सदैव अपने मानस पटल पर बनाए रखना है। भारत युवाओं का देश है। हमारे समाज का स्वरूप तय करने में युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। हमारे युवाओं की ऊर्जा खेल से लेकर विज्ञान तक और ज्ञान की खोज से लेकर सॉफ्ट स्किल तक कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा बिखेर रही है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि युवा ऊर्जा की धारा को सही दिशा देने के लिए देश के विद्यालयों में जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे बेटे बेटियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा अमूल्य उपहार होगा। उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उनके सपनों में हम भविष्य के भारत की झलक देख पाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे विश्वास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए भारत अपनी संवेदनशीलता बनाए रखेगा। भारत अपने आदर्शों पर अटल रहेगा। भारत अपने जीवन मूल्यों को संजोकर रखेगा और साहस की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। हम भारत